तो लक्ष्मी जी के कानून है, उसको फॉलो करो। अपने यहाँ तो लक्ष्मी जी को वो लक्ष्मी लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, धनतेरस के दिन लक्ष्मी को धोते हैं, सब धो धो के, क्यों तो ज़्यादा लक्ष्मी आए इसलिए। अरे इसको लक्ष्मी को धोने से थोड़ी आती है, या अमेरिका में वेस्टर्न वर्ल्ड में कहाँ कोई धोता है ना, वेस्टर्न पीपल अमेरिकन्स कोई धोते हैं, फिर भी उनके वहाँ कितने सारे आते हैं लक्ष्मी, और हमारे यहाँ धो धो करते तो भी नहीं आती है। उसकी वजह है कि कुछ उसके कानून फॉलो करते हैं, पालते हैं, ऑनेस्टी रखते हैं। तो उसकी वजह से उनको शांति मिलती है और ये भी आती है, सुखी रहते हैं। किसका ले लूँ, किसका दबा दूँ, किसको चीट कर दूँ, ये सब आपको लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए अंतराय रूप होते हैं। तो हम एक और हम ये सब हम ही अंतराय गिराते हैं और दूसरे और लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके पाठ करते हैं, ये करते हैं और मानता मानते हैं कि मुझे इतनी लक्ष्मी आ जाओ, ये लॉटरी लग जाए। लॉटरी लेते ही रहते लेते जाते, कुछ लगती नहीं है। वो पुण्य का परिणाम है। तो ये लक्ष्मी जी के कानून समझना चाहिए। हमारे पास अगर सरप्लस है तो अच्छे रास्ते से, अच्छे रास्ते पर गई हमारी लक्ष्मी तो अनेक मैनी टाइम्स होके आपको रिटर्न में आती है, नहीं तो गटर में तो जाती ही है। दूसरों के काम आए तो वो लक्ष्मी आपको बहुत सुख देगी, और दूसरों को चीट करके उसको उसके पैसे दबा के अपने पैसे जमा कर लिए तो लक्ष्मी चाहे कितने भी क्यों ना हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ना हो, लेकिन आपको सुख चैन नहीं मिलेगा, घर में शांति नहीं रहेगी, बच्चे आपके कहने पर बिगड़ जाएंगे, बाहर भटकेंगे, उल्टे रास्ते पर चले जाएंगे, पैसे आएंगे लेकिन शांति नहीं रहेगी। तो ये लक्ष्मी का क्या फ़ायदा, ये हम उसके लिए हमने जो रास्ता गलत रास्ता अपनाया, सात्विक नहीं, सात्विक रास्ते से अगर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए तो वो तो आपको बहुत सुख देगी। तो यही रास्ता है सुख प्राप्ति का, व्यवहार है लक्ष्मी जी, ये व्यवहार में अपने हमारे रिलेटिव जीवन में उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सर्वस्व माने। सर्वस्व सुख का सर्वस्व साधन वही लक्ष्मी ही है, पैसा ही है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द एविडेंस है, बहुत सारी चीज़ें में एक चीज़ ये भी है।